नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 और 26 फरवरी के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दो दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, 25 फरवरी की बात करें तो गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और इस दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, इस दिन सौभाग्य नाम के योग के बाद अति गण नाम का योग प्रारंभ होगा। राहु का के दिन समय रहेगा दोपहर के 2:06 से लेकर शाम के 3:32 तक। ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, 26 फरवरी की बात करें तो दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और अश्लेषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। और इस दिन भी दोस्तों योग की बात करें तो अतिगण नाम के योग के बाद शुक्रमा नाम का योग रहेगा। आपको बता दें कि ये शुक्रमा नाम का योग भी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। और राहु काल के दिन समय रहेगा सुबह के 11:13 से लेकर दोपहर के 12:39 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों की, ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में संतान की ओर से सुखद समाचार मिलने की वजह से मन जो है यश में आपका प्रसन्न रहेगा। इन दिनों में आपके व्यवहार में विनम्रता आ सकती है, दूसरों के साथ आप जो है सहयोगात्मक रवैया अपना सकते हैं। यश में आप जो है आपको अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होने की संभावना है। घर परिवार में सबके साथ जो है मधुर संबंध बनाए रखें और सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो, इसके लिए आप यश में प्रयास करें। घर की स्थिति अच्छी होने से आप किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए मिला जुला रहेगा। दोस्तों, बिना गहन सोच विचार के कोई भी निर्णय न लें, किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर से इसमें आप सलाह लें, किसी पुराने जो है जानकार से इसमें आपका मुलाकात हो सकता है जो कि यह आपको नए अवसर से अवगत करवाएगा। इन दिनों में किसी बात को लेकर परेशानियां से आप घिरे रहेंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय में आप दुविधा महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों किसी से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में आप अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुने, अपनी जो है भावुकता पर इसमें आप नियंत्रण रखें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में किसी भी कार्य को जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्वीकार करें। दोस्तों, इसमें प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो है संपर्क हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से जो है आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी जो है लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय मिला जुला रह सकता है। प्रेमी जीवन तो बढ़िया ही कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके प्रेमी संबंधों को कुछ मित्र जो है कानाफूसी कर सकते हैं, जिनसे आपका क्रोध और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए आपके परिजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे कोई रोग परेशान कर सकता है। दोस्तों, ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो कोई रोग यश में आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आप शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों, ये जो आपके लिए दिन होंगे दौड़ धूप वाला दिन होगा। अधिकांश समय व्यवसायिक और निजी संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने में जाएगा। सामाजिक जो है समारोहों में आप यश में भाग लेंगे। आप किसी मांगलिक प्रसंग में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त गणेश जी कोई विशेष घटना नहीं दे रहे हैं।
दोस्तों यश में आपकी जो है वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप जो है अपनी हंसी मजाक से सभी का दिल जीत लेंगे। इससे निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता में सुधार होगा और इनके चलते आप मजेदार काम कमाई वाली गतिविधियों में भी यश में भाग ले सकते हैं। दोस्तों यश में सहकर्मियों के साथ आप जो है विचारों के आदान प्रदान करने में आनंद लेंगे। इससे आपके जो है पारस्परिक कौशल में सुधार होगा, गणेश जी का यह मानना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आप अकेले रहते हैं तो एक शानदार व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। गणेश जी उन लोगों के लिए एक अच्छे समय का वादा करते हैं जो पहले से ही प्यार में हैं। दोस्तों एक महान रोमांटिक जीवन नसीब में है। आप जो है जीवन के उज्जवल भविष्य के बारे में अधिक कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों वहीं इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणेश जी का मानना है इन दिनों में आप आनंदहीन सुखों पर बेरहमी से पैसा खर्च करने की संभावना रखते हैं। आपके दिल में खुश होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पैसे तो केवल एक जरिया होगा। दोस्तों यश में ये जो आपके लिए दिन है आपके पास ऊर्जा का अच्छा स्तर होगा, रचनात्मकता शक्ति अच्छी रहेगी। हालांकि आपको इस पर प्रयोग करना चाहिए, आपको इस पर ऊर्जा को सकारात्मक और जो है रचनात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों फलों के जूस या फिर किसी भी अन्य तरल पदार्थ को लेने के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में ज़िंदगी के बेहतरीन चीज़ों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी और पहला कदम है। दोस्तों जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें यश में आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों यश में आपको गणेश जी सलाह देते हैं कि अपना नजरिया जो है दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए यह फायदेमंद भरा साबित नहीं होगा बल्कि ऐसा करने से उन्हें आप नाराज भी कर सकती हैं। विवाह प्रस्ताव के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा, क्योंकि दोस्तों यश में आपका प्यार जो है जीवन भर साथ के लिए बदल सकता है। दोस्तों इन दिनों में आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का जो है संयोजन कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर जो है आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की आप कोशिश करने में लग जाते हैं। दोस्तों इस लिहाज से आपके लिए जो ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है। दोस्तों आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के साथ इन दिनों के शाम में वाकई कुछ खास होने वाला है। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें यश में पति या फिर पत्नी में कोई भी रात्रि में सोने से पहले घर में ईश्वर का स्मरण करते हुए दो फूल वाले लौंग देशी कपूर के साथ जला लें, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत दोस्तों शुक्रवार के दिन दक्षिणवर्ती संघ में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आप यश में इन उपायों को जरूर करें, इसी दोस्तों आपको धन लाभ अवश्य होगा। और इसके उपरांत दोस्तों और ऐसे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।